सुप्रभात बच्चों, कल हमने अमित जो मेले में जा रहा था किस प्रकार से तैयारियां की थी, जो अपनी दादी माँ के अम्मा के द्वारा, और किस तरह से वो तैयारियां करते हुए मेले में जा रहा था बच्चों के साथ, यहाँ तक हम 49 नंबर पेज तक पढ़ा था। आज हम आगे उसे क्रमानुसार अध्ययन करते हैं। आगे पेज नंबर हम 50 के ऊपर देखते हैं कि मोहसिन कहता है उसके लगते ही कि अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिनात हैं, यानी कि जो चौधरी साहब हैं वो सिर्फ बहुत से जिनात माल काबू कर रखे हैं, तभी तो उनके पास इतना सारा पैसा है, क्योंकि वो सारे सारे पैसे जो तो जिनात है वो उनको ला के देता है, यानी वो ला कर दे देते हैं। इस तरह से उनके सारे बहुत सारा धन है, पैसे हैं, यानी कि बच्चों यहाँ पर जो तो चौधरी साहब के पास इतने सारे पैसे हैं, तो बच्चों को ये लगता है उनके पास बहुत सारे जिनात हैं, वो सारे इतने सारे पैसे ला के देते हैं। उन्होंने ऐसे कहा, कोई चीज़ चोरी जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। तो यहाँ पर इस तरह कह रहे हैं कि जिनात है वो सारे कुछ है, वो चोर को भी ढूंढ लेते हैं और चोर का नाम भी बता देते हैं। तो इस तरह से कहते हैं, और जुमेराती का बच्चा उस दिन खो गया था तो 30 दिन हिरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर कहते हैं कि सब कुछ से कि झक मार कर, यानी कि सब कुछ खोजबीन करके, यानी माथा पची कर कर जब चौधरी साहब के पास गए तो चौधरी साहब ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वही मिला। तो यानी कि मवेशी खाने में और वही मिला, और जिनात आकर उन्हें सारे जहान के खबरें दे जाते हैं, यानी कि जो जिनात है उनको सब खबर रहती है, वो सब के सब है, अगर हम कितने छुप कर कार्य कोई कर लें लेकिन फिर भी वो हमारे सामने आ ही जाता है। तो यानी इस प्रकार से कहते हैं कि कितनी माथा पच्ची करने के बाद अगर कुछ नहीं मिलता तो चौधरी साहब के पास जाते हैं, तो उनके पास जाते ही जिनात उनको जो बताई हुई बात है वो सारी सारी बात बता देते हैं। तो इस तरह से बाल मन के जो आ रहे हैं उस तरह से बातें कर रहे हैं। अब उसके समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सामान है। तो उनके बच्चे के मन में बैठ गई कि निश्चित रूप से उनके पास जिनात है जो उन्हें हर तरह से इतने धन दौलत ला कर देते हैं और इतना अनसर उनको सामान मिलता है। तो इस तरह से जो हमीद था उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि निश्चित रूप से ये सारा सारा उस जिनात का ही कमाल है। तो मौसी ने प्रतिवाद किया, यहाँ पर उसने प्रतिवाद मतलब उसकी मतलब प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए कहते हैं कि भैया तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे चले, जो ऊपर वाली लाइन देखिए, आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यही सब कॉन्स्टेबल कवायद करते हैं। कवायद का मतलब जानते हो बच्चों, जिस तरह आप परेड करते हैं, तो इस तरह से जो कॉन्स्टेबल यानी पुलिस वाले होते हैं, पुलिस लाइन के होते हैं, वो भी इस तरह से परेड करते हैं, कवायद करते हैं, जिसे यानी परेड जो आप करते हो बच्चों उसे कवायद कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो रिटर्न फाइव को यानी कि इस प्रकार से वापस मुड़ने को, रिटर्न करते हुए जो वापस मुड़ते हैं, तो इस तरह से उनको कहा जा रहा है कि चलो वापस चल लो मुड़कर। तो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए, नहीं तो चोरियां हो जाए। ये सब पुलिस वाले हैं, रात को गश्त करते हैं और चोरी जो कहीं चोरी नहीं हो जाए इसलिए वो इस तरह गश्त देते हैं, अगर चोरी करता हो पकड़ा जाए तो पकड़ लेते हैं। तो मोहसिन ने प्रतिवाद किया कि ये कॉन्स्टेबल पहरा देते हैं तभी तो तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। अब कोई कहता है कि नहीं नहीं ये पुलिस वाले हैं ना, यही तो सब चोरी कराते हैं, सारे 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 मिली भगती होती है, ये पहले चोरी करा देते हैं फिर चोर को पकड़ लेते हैं। तो शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं, और रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यानी इस तरह से वो भी कह रहे हैं कि जो पहरेदार हैं या जो सुरक्षा कर्मी है वही पहले चोरी कराते हैं, जब वो दूसरे जगह मान लो कहीं पर जाते रहते करते हैं तो चोर दूसरे जगह जाकर वहाँ पर चोरी कर लेते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते। तो ये बच्चों पुराने समय की बात है, तो उस समय 20 रुपये भी काफ़ी संख्या में माने जाते थे और 20 रुपये की बड़ी कीमत होती थी, लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके जो तनख्वाह है या उनको जो वेतन मिलता है वो तो है 20 रुपये, लेकिन वो घर कितने बेचते हैं 50 रुपये। तो यहाँ पर इस तरह से वो कह रहे हैं कि जब उनको 20 रुपये मिलते हैं तो वो 50 रुपये कैसे बेचते होंगे, तो शायद वो 30 रुपये उन चोरों से मिलकर जो भत्ते के रूप में लेते हैं।
तो इस तरह से जो बाल मन है वो किस प्रकार से अपनी कल्पना करते हुए इस तरह से अपना आइडिया अंदाजा लगाते हैं कि अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। इसलिए कहते हैं कि हमें तो भगवान देता है, हम तो उतना ही लेते हैं जिससे कि हमारी बदनामी ना हो और नौकरी भी ना चले जाए। फिर यहाँ पर एक भ्रष्ट किस प्रकार से जो भ्रष्ट अंतर है उसकी तरफ भी मुंशी प्रेमचंद्र हैं, उन्होंने इशारा किया है उन बच्चों के माध्यम से। हम इतने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं, यानी कि ये जो पुलिस वाले हैं जो चोरों को पकड़ने का कार्य होता है और ये खुद ही उन चोरों से चोरी करवा रहे हैं तो क्या इन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो मोहसिन फिर उसकी नदानी पर दया दिखाकर बोला अरे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये खुद हैं। तो यहाँ पर एक भ्रष्ट दंतर की ओर, यानी जो खुद पहरेदार है या जो पुलिस का कार्य होता है चोरों को पकड़ना, जो कॉन्स्टेबलों का काम होता है वो चोरों को पकड़ना, लेकिन ये खुद उन्हें इस तरह से उकसाकर उनसे चोरी करवाते हैं और उनसे बता लेते हैं तो भला उन्हें कौन पकड़ेगा। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। तो यहाँ पर ईश्वर की बात की गई है कि हम चाहे चुप कर कितना ही कार्य कोई कर ले, हम कितनी ही चोरी कर लें, चाहे हमें कोई पकड़े नहीं या कोई हमें उकसा कर चोरी करवा ले, तो बच्चों यहाँ पर भगवान की बात हो रही है कि ईश्वर तो हमें सब कुछ देखता है। वो ईश्वर जो हम चोरी करते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं तो ईश्वर हमें देख कर उसकी सजा अवश्य देता है। तो अगर हमें ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, सब कुछ हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी नई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, उनके बच्चों के मन में भी देखो कितनी पाक मन है उनका, कितनी अच्छी सोच है उनकी कि बुरा जो कार्य होता है उसका बुरा फल निकलता है, अगर हम कोई भी बुरा कर्म करेंगे तो हमारा भी बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से कहते हैं कि जब उनके मामू इस तरह से बुरा काम करके चोरों से चोरी करवा कर उनसे जो बदला लेते हैं वो पैसा खाते हैं कि उसका भी देखो किस तरह से हो गया, मामू के घर में आग लग गई और सारी पूंजी जल गई, कुछ भी नहीं बचा, बर्तन तक नहीं बचा। तो इस तरह से उन्होंने कहा भी कभी बुरा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ प्रेमचंद भी अपने मतलब इस तरह से कथा के दृष्टांत के द्वारा हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, हमें अपनी मेहनत के द्वारा, मेहनत और ईमानदारी के द्वारा ही जो मेहनत की गई जो हमें पूंजी मिलती है या जो मेहनत का जो फल मिलता है उसी में ही संतोष करते हुए अपन जीवन यापन करना चाहिए। कई दिन पेड़ के नीचे सोए अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे। फिर यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह कसम फिर कई दिन तक पेड़ के नीचे सोए, यानी उनका डर तो बचा नहीं था, पेड़ के नीचे सोए रहे न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, फिर जाकर वो कोई बर्तन भांडे लाए पाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो चोरी करने पाए बुरा कर्म करने बाद में उसका क्या नतीजा निकलता है, किस तरह से उन्हें इतनी मेहनत करते हुए सब कुछ करना पड़ा था। तो इस तरह से कहते हैं हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो आगे देखिए बच्चों, फिर हामिद कहता है कि 150 से ज़्यादा होते हैं, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, तो कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो दो थैलियों में भी आ न आए। यानी इस तरह से वो जो बच्चे हैं वो तो किस प्रकार से जो तो धन सामग्री होती है या पैसे होते हैं उनका आइडिया लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है। इन छोटे छोटे बाल मन के अंदर भी किस प्रकार से एक जो आंकलन है उसके अनुसार कहते हैं। फिर कहते हैं कि अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगी थी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने थे। उसके बाद वो कहते हैं कि किस प्रकार से वो एक भड़कीले वस्त्र, यानी कि इस तरह से पहनते हैं कि जो उनके अंदर एक अलग ही प्रकार का निकलता है, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, कोई इत्र बसे, सभी के दिलों में उमंग, इत्र कहते हैं बच्चों परफ्यूम। यानी किस प्रकार से अनेक बस्ती जो आने लगी थी, ईदगाह जाने वाले टोलियाँ नजर आने लगी, जो अच्छे जो मतलब पैसे वाले थे वो किस प्रकार से सुंदर वस्त्र भड़केले मतलब अच्छे चटकेले वस्त्र पहने हुए थे, कोई इक्के तांगे पर था, कोई मोटर पर था, कोई परफ्यूम लगाया हुआ था, सभी के दिलों में उमंग थी। मेले के प्रति ग्रामीणों का यह छोटा सा
दल अपनी विपन्नता से बेखबर, यानी अपनी विपन्नता मतलब अपनी गरीबी, विपन्नता कहते हैं बच्चों गरीबी, या जो उनके पास इतने सारे सब कुछ नहीं था, कोई मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, कोई परफ्यूम नहीं था, कोई तांगा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके छोटे से दिल के अंदर अलग ही प्रकार का एक जुनून उत्साह था मेले के प्रति। उन सब से वो बेखबर, संतोष, धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते, यानी कि वो जो कोई भी चीज़ को देखते हैं या कोई भी वस्तु देखते हैं तो हम इतना खो जाते हैं कि पीछे से गाड़ी जो हॉर्न देती तो भी उसको नहीं चेत पाते, यानी उसको भी उनके नहीं सुनाई देती। इस तरह से खोए हुए थे हम ही तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, यानी मोटर चलते जा रही थी कि हम उन वस्तुओं में इतना खो गया था कि उसे कुछ नहीं पता था कि वो क्या करता जा रहा है। इस तरह से होता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उस बाल मन था, उस सारी चीज़ें उसे लुभावने लग रही थी मेले के अंदर। फिर वो तो सहसा ईदगाह नज़र आया, यानी अचानक उनको ईदगाह जहाँ पर मेला लगा हुआ था मस्जिद नज़र आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम कहते हैं बच्चों एक तरह से जहाँ पर दरी, या कह सकते हैं दरी पट्टी, या ऐसे दरी जिस पर सभी रोजगार जो रोज़ा रखने वाले होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। रोजगारदारों की पंक्तियाँ एक ही पीछे एक नया जाने कहाँ तक चली गई, पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम नहीं है, यानी कि इतने सारे लोग हैं कि वो जाजिम नहीं हुए हैं, फिर भी वो पीछे लाइनों के अंदर आकर किस तरह से वो नमाज पढ़ रहे थे। नए आने वाले आकर पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन पद नहीं देखता, यानी कि सारे सारे लोग जो किसी भी, चाहे वो किसी कितने गरीब क्यों ना है, चाहे वो कितने धनवान क्यों ना है, चाहे वो किसी उच्च अधिकारी पद पर आसीन है, चाहे कोई कितने गरीब मजदूर क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। इस्लाम की निगाह में सब बराबर, यानी भगवान की नज़र में सब बराबर हैं, यहाँ किसी को कोई छोटा बड़ा नहीं देख रहा। उन्होंने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू मतलब यहाँ पर अपनी जो नमाज पढ़ने के जो नियम होते हैं उन सबको करते हुए पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, यानी कि कितने सारे एक जैसे हाव भाव है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, सिजदे यानी सलाम करते हुए ईश्वर को हाथ जोड़कर सलाम करते हुए हाथों के सहारे से। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ फिर झुक जाते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो नमाज की जो क्रिया थी वो किस प्रकार की थी, उस सबको यहाँ लेखक अपने उसके द्वारा समझा रहे हैं कि क्रम चलता रहता है, कितना अपूर्व दृश्य यानी अनोखा दृश्य है, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार अनंतता हृदय को श्रद्धा गर्व और आत्मानंद यानी आत्मा से भरपूर आनंद से भरपूर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र, यानी इस तरह से नमाज पढ़ते हुए लोग जैसे सारे एक ही भाई हो, एक ही परिवार के सदस्य हों, सभी भाई भाई हों, उन सभी समस्त आत्माओं को एक लड़ी में जैसे यानी सबकी आत्माएं एक जैसी क्रियाएं करते हुए एक जैसे ही सब नजर आ रहे थे। तो इस तरह से बच्चों जो नमाज का जो दृश्य था, नमाज पढ़ रहे जो दृश्य था उसका यहाँ पर दृश्य है। और दूसरे दृश्य के अंदर जब नमाज खत्म हुई तो किस प्रकार से मालूम आगे का जो नज़र आता है, तो यहाँ बच्चों देखिए आप, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर दावा होता है, यानी कि नमाज खत्म होने के बाद किस तरह से सभी गले मिलते हुए और फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों की तरफ सब दौड़ पड़ते हैं, बच्चे और उनके परिवार वाले। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं, यानी कि वो मेले के अंदर जो स्टॉल लगी हुई होती है, दुकानें लगी होती हैं, उन दुकानों के अंदर जो अनेक प्रकार के लकड़ी के सारे खिलौने बने होते हैं, सब उनके तरफ, बच्चों का जो मन जो खिलौनों की तरफ भी होता है, तो किस तरह से वो उन लटके हुए खिलौनों की तरफ उनका ध्यान रहता है। और फिर वो सब देखते हैं कि किस प्रकार से वो खिलौने उनको नजर आते हैं। तो यहाँ पर एक पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्करों का मजा लो, यानी कि जो झूले होते हैं बच्चों उनकी बात हो रही है। महमूद और मोहसिन
नूरे और समी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं, आमिर दूर खड़ा है, तीन ही पैसे तो हैं उसके पास। तो बच्चों यहाँ पर तो मोहसिन महमूद और नूरे है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उन पैसों के द्वारा वो कभी झूला झूल रहे, कभी कुछ कर रहे, लेकिन हामिद तो बचाओ एक गरीब बूढ़ी अम्मा का होता था, उसके पास केवल मात्र तीन ही पैसे थे। अगर वो झूला झूल लेता तो उसके मन में कुछ और था, वो कैसे कर पाता। तीन ही पैसे जो है उसके पास, अपने को उसका एक या जरा सा चक्कर खाने के लिए तो वो नहीं दे सकता, यानी कि वो सिर्फ केवल मात्र एक झूले के लिए वो अपना जो उसके पास इतने सारे पैसे हैं, जो तो तीन पैसे हैं वो उनको नहीं खो सकता। तो फिर वह इस तरह से उसके एक टके लगाए हुए उनको देखता रहता है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, साधु, वाह है कितने सुंदर खिलौने हैं। तो ये बच्चों उन खिलौनों की बात हो रही है, एक एक तरफ सिपाही बना मतलब खिलौना बना हुआ सिपाही है, और एक गुजरिया यानी गुजरिया जो दूध बच्चों तो दूध का कार्य करती है, पशुओं को जो मान लो चारा या कह सकते हैं गायों को चरा कर उनका दूध निकालती है, दूध बेचने वाली जो गुजरिया होती है उनकी बात हो रही है। फिर राजा, वकील, बिस्ती यानी किस प्रकार से जो वकील और जो बिस्ती होता है यानी जो सिपाही होता है जो चोगा पहने हुए होते हैं, और फिर साधु कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद के लिए चला आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे वो अभी कवायद करके आ रहा है यानी परेड करता हुआ आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्क रखे हुए हैं और मस्क के एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है वो, कोई शायद कोई गीत गा रहा है। इस मस्क से पानी उड़ेलना ही चाहता है, और नूरे को वकील से प्रेम है, तो यहाँ पर जो तो नूरे था वो वकील से प्रेम करता है, और उसकी कैसी विद्वत्ता है। तो बच्चों यहाँ पर बता रहा है कि किस प्रकार से कैसी विद्वत्ता दिखाता है उसके मुख पर, यानी जो वकील है वो कितना मालूम है उसके अंदर प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में एक घड़ी, सुनहरी जंजीर, और एक कानून में हाथ में कानून का पोथा लिए हुए हैं। तो यानी यहाँ पर जो कितना मर जो वकील होता है उसकी कितनी कैसी शान है, उस शान के बखान हो रहे हैं मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं, यानी जिरह यानी कहते हैं वाद विवाद, बहस ही भी वाद विवाद को कहते हैं बच्चों। ये सब दो दो पैसे के खिलौने हैं, यानी ये जो जितने खिलौने थे सभी दो दो पैसे के हैं, लेकिन हामिद के पास तो फिर वही बात, उसके पास तो तीन पैसे हैं, वो इतने महंगे खिलौने कैसे ले, खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, तो यानी कि जो उसके दो पैसे वो पानी में मिल जाए, तो जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसा खिलौना लेकर क्या करेगा, किस काम के, यानी इस तरह से अपने वो बाल मन पर किस तरह से अपने नियंत्रण करता है बच्चों, यानी उसके यानी एक छोटा सा बच्चा इतना समझदारी दिखाता है अपनी कि किस प्रकार से वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं खरीदना, ये हाथ से टूट जाएगा तो चूर चूर हो जाएगा, इसका पानी गिर गया तो इसके मतलब इसका कलर उतर जाएगा, रंग उतर जाएगा। फिर मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, तो यहाँ पर कह रहा है कि वो जो बिस्ती है वो रोज़ पानी दे देगा, कि वो पानी देने का जो कार्य करता है। और महमूद है वो कहता है मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा, मतलब उस पर फायर करके और चोर को भगा देगा, घर के अंदर चोर को घुसने नहीं देगा। यानी इस प्रकार से किस तरह सभी अपने अपने खिलौनों का बखान कर रहे थे। और नूरे कहता है कि मेरा जो बच्चों तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं जो नूरा है वो कहता है मेरा जो वकील है वो खूब मुकदमा लड़ेगा, और हमीद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी ही की तो है गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई आंखों से उन खिलौनों को देख भी रहा था, यानी कि वो बाल मन में उसका मन तो करा था कि वो खिलौने खरीदे, लेकिन जो उसका बाल मन था वो इस तरह से उसको इजाज़त मान लो नहीं दे रहा था, वो नहीं चाहता था कि जो उसके जो मान लो पैसे तीन पैसे हैं वो मिट्टी के खिलौने में लगा दे। तो इस तरह से वो चाहता है कि जरा देर के लिए उसके हाथ में ले सकता, उसके अन्यास से लपकते हैं यानी उसके हाथ भी उन खिलौनों की तरफ जाते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों होता ही है कि कोई भी बच्चा इस तरह से एकदम लेता है तो किसी को
देना नहीं चाहता अपना खिलौना। शेषकर अभी एक नया शौक है, रमी दलल चाहता रह जाता है। फिर बच्चों आगे खिलौनों के बाद मिठाइयों की बात ही है, तो किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, जो तो मज़े से खा रहे हैं। हमीद उनकी बिरादरी से पृथक है, यानी वो उनकी बिरादरी में वो सुन नहीं था, यानी उनके पास वो पैसे नहीं थे, वह उनके वो बराबरी का वाला नहीं था, यानी इस तरह से बिरादरी से पृथक हुआ। ए भाग्य के पास 3 पैसे हैं, यानी कि जो बेचारे दुर्भाग्य था कि उनके पास 3 ही पैसे हैं कि वो सब न खा सकता है, न कोई खिलौने खरीद सकता है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सब की ओर देखता है। यानी उसका तो बाल मन था, लेकिन वो एक दृढ़ निश्चय विचार वाला था, लेकिन वो बच्चा तो बच्चा ही होता है बच्चों, उसके किस तरह से उसकी आंखें ललचा रही थी, वो सब कुछ खा रहे थे। तो वह तो आज हम अपना अध्ययन यहीं तक करेंगे, कल हम आगे इसका अध्ययन कर्मानुसार करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा जान सकते हैं। और कल बच्चों आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए आप रेडी रहना, आपको लेसन बताया हुआ है, तो उस लेसन को अच्छी तरह से तैयारी के साथ अपना टेस्ट देंगे। जय हिंद।